भाई एक डेंटिस्ट ने 30 साल तहकीक करने के बाद ये बताया कि भाई कीड़ा सिर्फ दांत में ही नहीं होता, फिर क्या होता है? अमरूद में भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। वो भी ठीक है भाई, दबाने वाली चीजों में और अनाज भी दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या आता है? पहले नंबर पे यार वो हॉस्पिटल में लोग पांव दबा देते हैं, बस में आप चढ़ते हो पांव दब जाता है, हाँ सही लेकिन बात आप है जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। भाई। दुनिया भर के नोटों पे तस्वीर सिर्फ मर्दों की है लेकिन कब्जा औरतों का। वाकई वाकई तहकीक है भाई। बिल्कुल तहकीक है भाई, तमाम औरतें कहती हैं कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन चाइना में हाँ हर शक्ल एक सी होती है। कहाँ बैठे हुए हो ये बता दो, नया शो शुरू कर दिया है ये बता दो, क्या नाम रख लिया है ये बता दो। अरे मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा आप क्या कर रहे हो फिर, जब सब मैं ही बता दूंगा भाई? तो इस शो का नाम है एक्सक्यूज मी। करेक्ट ये नाम क्यों रखा? क्यों रखा कोई और जहन में नहीं था भाई? भाई। देखे देखे ये शो शुरू करने का एक मकसद है कि भाई मैं कहता हूं रिजवान खान जी भाई एंटरटेनमेंट इज लाइक क्रिकेट है वाकई, भाई। 1990 की जो एंटरटेनमेंट थी वो हाँ थी टेस्ट मैच, बिल्कुल 2000 की जो एंटरटेनमेंट थी वो थी वनडे क्रिकेट, 2015 की जो एंटरटेनमेंट थी वो थी T20 क्रिकेट। लेकिन अब आवाम के एंटरटेनमेंट का लेवल ये आ चुका है, कौन सा आज का जो जमाना है वो है जी। T10 क्रिकेट का। और अगर आप मुझसे भी अगर नीचे आना चाहें T10 से अगर इससे भी लेवल और बढ़ गया और तो बढ़ गया तो हाँ बस फिर आपको और मुझे कपड़े उतार के शो करना पड़ेगा बिल्कुल सही बात की भाई। आपने, नया सेट वेट बनाया, जरा इंट्रो को बताओ, जरा शो का इंट्रो दो। ये अपना सेट बताओ, कौन कौन लगाया है, तस्वीरें तुमने सजो सेलेक्ट की हैं, ये कौन है? ये ये क्या तुमने लगा तो अपने दादा की तस्वीर यहाँ लगा दी, हिटलर है ये तो। ये मैंने आपकी भी लगाई हुई है कहाँ है? ये बढ़िया है ना, आप ये रहा भाई, ये रहा मेरे पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन। आप ये बहुत जहीन आदमी था भाई, आपको नहीं पता? आप जहीन नहीं हो, आपको नहीं पता इसने क्या किया क्या है? किया जहाज इसने बनाया। वाकई, कौन हाँ सा है, कौन सा जहाज? चमाट मारू पानी का जहाज। ये कौन है ये? ये यार हमारे हीरो माशाल्लाह भाई, ये सुल्तान लेजेंड राही, लेजेंड लेजेंड जो बात और है ये ही इस ओवर टर्मिनेटर भाई, गंडाजे से आधा गांव मार देता था है। या ही इज ओवर टर्मिनेटर। इंग्लिश इंग्लिश या माय इंग्लिश इज फिनिश, क्लोज द प्रोग्राम। या हाँ हमसे तो जो इंग्लिश बोलता है हम तो बोल ले भाई, अल्लाह तो देख रहा है, बोल इंग्लिश। सही बात है, नहीं यार तो हम नहीं क्या यार करें, ये फिर क्या करें, सीधी बात है। अच्छा जी ये क्या रखा हुआ, ये टूलेट वगैरह क्या सीन है भाई? ये टूलेट भाई ये ब्रांड के लिए जगह खाली है। खाली जगह पूर हाँ करें, खाली जगह पूर खाली करें, जगह पूर करें हाँ जी। और ये वो टूलेट है जिसको सारी जिंदगी हमने टॉयलेट पढ़ा है। बिल्कुल हाँ भाई, हमने एक दफा अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान ये टॉयलेट क्यों लिखा हुआ है? सही, अब्बा जान को भी नहीं पता था, वो कह रहे बेटा यहाँ कहीं टॉयलेट की लाइनें डल रही बिल्कुल कहने का मतलब ये, मैं इसके नीचे देखिए नंबर भी चलता था, कांटेक्ट नंबर, तो कांटेक्ट मैं ये नंबर। समझता था कि शायद अगर आप इस पर कॉल करोगे तो आपको बाथरूम का बता देंगे किस तरह पड़ता है बाथरूम वाह यार मुसलसल नॉनसेंस आदमी है तू। मुसलसल अच्छा मुझे ये बताओ, हम तो यहाँ पे शो कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन जो वहां पे आवाम है ठीक है, वो हमसे इंगेज किस तरह होगी? हमसे एंगेज किस तरह होगी हाँ भाई? आप लोगों ने ये करना, ये शो हमने रखा ही आप लोगों के लिए, आवाम के लिए, तो आप लोगों ने करना ये है कि आपने हमारा कर देना है कमेंट्स कर करके जीना हराम। मतलब मैं रात में सोऊं तो मेरा मोबाइल बजता रहे, और हाँ उससे होगा क्या अहमद खान, कमेंट करने से? उससे होगा ये कि ये जरा नया फॉर्मेट है, हाँ आप कमेंट्स पे सब लोग अपने अपने नंबर छोड़ दें और फिर जो सबसे बेहतरीन कमेंट करेगा उसको हम नंबर पे कॉल करेंगे, नंबर छोड़ दें, नंबर आप नंबर छोड़ छोड़ दें। दो, हाँ लड़कियों ने नंबर छोड़ दिया फिर उनको कौन छोड़ेगा बेटा, नहीं देख रही लड़कियां मुझे, बात लड़की लड़कियां फवाद खान देख रही हैं, शाहिद कपूर देख रही हैं, ये अब्दुल गफूर कोई भी नहीं देख रहा अब्दुल शकूर भी कोई नहीं देख रहा, करेगा कॉल बताओ करूं? अच्छा देखें, एक नंबर जो मुझे बहुत तंग कर रहा है, अभी से कर रहा है आपको, ये बहुत तो फर्स्ट मैसेजेस है, एपिसोड है भाई। फर्स्ट एपिसोड है लेकिन पुराना भी तो काम है बेटा, कि हम क्या अभी फील्ड में आए क्या? तो अच्छा ये है कि मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, ये देख रहे भाई, लाइव कॉल की जा रही है शो में, लाइव कॉल की जा रही बिल्कुल है ऐसा ही है। ये देखिए ये बंदा मुझे बहुत तंग करता है, जरा मिलाए नंबर, ये मिलाए क्या है, ये मेरी वाइफ का मैसेज आया हुआ, दही लेते हुए आना। अच्छा ये ओके ओके देख ले, घर पे ना मिला देना भाई, ये भाई बिल्कुल रियल कॉल लग रही है ये। जिंदा कॉल है, बिल्कुल जिंदा कॉल। कोरोना वायरस वैक्सीन की पूरी अफादियत हासिल करने के लिए बस। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम भाईजान, अहमद खान बात कर रहा हूँ, आप कॉल कर रहे थे भाई, आप कॉल कर रहे थे? मैं तो नहीं करी, अबे झूठे आदमी, 15 मिस कॉल आएंगे तुम्हारी और व्हाट्सएप पे मैसेज अलग आए हुए, बोले शो वो देखते हो, क्या हो गया? किसको मिला दी भाई, कौन है? ये आपका नंबर कोई और भी यूज करता है भाई? नहीं, तो भाई ये आप अच्छा हो कौन, आप हो कौन? अच्छा रिजवान खान को जानते हो? ये क्या कह रहे हैं? रिजवान खान को जानते हो? नहीं, कौन है भाई, अहमद खान को जानते हो? नहीं, ठीक है बेटा,
ठीक है, बातें खत्म हो गई ना फिर तो। भाई आपके मुंह पे 5 फिंगर। तो हो गया ना हो गया, फैसला, फिर जब फैसला हो गया। फैसला हो गया फिर। आप ये देखिए इसने शो का मोरल कैसा डाउन किया। इतना बोल दिया नहीं, एवरेस्ट गया तो नहीं, रिजवान गया तो नहीं, सच बोला होगा ना, उन्हें नहीं जानता। क्या सच बोला है मेरे पास, मैं आपको मिस कॉल दिखाऊं उसकी। खैर अब ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ये तो हमें नहीं जानता था, पता नहीं कौन था, पता नहीं इसकी कोई, मुझे लग रहा है इसके घर में किसी ने कॉल की हुई थी, तो ये तो हमें नहीं जाना, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को कॉल करेंगे, लाइव कॉल पे लेंगे, लाइव कॉल पे लेंगे। लेकिन आप, हम तब लेंगे जब आप हमारा जीना आराम कर दोगे, मतलब बेशुमार जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ लाइव कॉल पे होगा, और बोले हमारे साथ शो में होगा यार, बेसिकली शो में भी। हाँ ये तो आप शो में भी हो सकता है, आपने पहले तो नहीं बताया मुझे, ये भी एक महीना मुस्तकिल कमेंट करने वाला शो में आएगा, शो में आ जाएगा। हाँ यहाँ बैठेगा भाई, यहाँ बैठाएंगे, मैं नहीं यहाँ नहाने वाला पटरा रख देंगे ना, उसको बिठा देंगे। तो भाई अगर आप लोग हमें कमेंट करके अपना नंबर डालेंगे तो हम उस नंबर पे कॉल करेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी मसला है, रिश्तों में बंदिश, महबूब आपके कदमों में, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, इश्क किया हुआ है, और क्या कहते हैं, मोटे से पतला होना, मोटे से पतला होना, इश्क किया हुआ है और लड़की नहीं मिल रही, तो लड़की के लिए हमसे रابطہ करें। तुम्हारा वो एल्बम वेल्बम वो है ना, तुम दिखाओगे ना? कौन सा एल्बम? लड़की वड़कियों के लिए तुम नहीं। अच्छा तुम एक और काम, एक काम और भी करते हो ना, तुम रिश्ते करवाते हो ना यार, ये गंदी जहनियत। तो भाई अगर इश्क में आपके साथ धोखा हुआ है तो फिर मैं अपने लेजेंड सिकंदर सनम का शेर यहाँ पे पेश करना चाहूंगा कि भाई ऐन का मुंह ऐसे खुला है जैसे नागन का नाश्ता, शीन के 3 नुक्ते रो रो के कहते हैं इश्क ना करना खुदा का वास्ता, और काफ की गोलाई में जो आकर फंस गया उसे भागने का नहीं मिलता रास्ता। बेसिकली ये ताली हमारे लेजेंड सिकंदर सनम साहब के लिए हो रही है, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, आमीन आमीन। और आपका भी शेर था कोई, अगर आप भूल गए तो मैं यार बता दूं। मैं ठीक है, मैं तो मेरा शेर बिल्कुल है, और मैं पेश करना चाहूंगा कि तूफानों में फंसी हुई कश्ती किसी वक्त भी निकल सकती है, तूफानों में फंसी हुई कश्ती। आप हंसने पहले काम, अबे कब से सुना रहा है ये शेर तू? एक ही याद, तूफानों में कश्ती, तूफानों में फंसी हुई कश्ती कभी भी निकल सकती है, मायूस ना हो, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। वाह वाह, तूने ऐसा शेर सुना है, एक दो बातें आ रही है जहन में, नहीं कर पा रहा, शो ही खत्म कर दिया तूने। भाई अगले एपिसोड में स्पॉन्सर्ड भी आ जाए, ठीक है, और कॉल करेंगे तो वो बंदे भी आ जाए हमारे साथ, और हाँ, और इसके अलावा भाई वो कहते हैं ना, वो एंड में आजकल चल रहा है ना भाई, इस शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़कात दें, इमदाद दें, मतलब जो हो सकता है करें, और अगर हमें रोड पे मिले तो हमें पैसे भी दें। हाँ सब दें यार, जो हो सकता है तो करें, जो हो सकता है सब करें। ओके ओके ओके, टाटा अल्लाह हाफिज़। हो गया ना फैसला।